Good morning, all of you. Today we start after long gap of time. English, legal language, including general English. And today I taught you numbers. What are the numbers in grammar? Basically, in general English, it is too much important for your syllabus and for your academic career. Numbers. Today I taught you number. What is number? संज्ञाएं प्राय दो रूपों में पाई जाती हैं, एकवचन और बहुवचन. जिस शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति आदि का ज्ञान हो वह सिंगुलर, और जिसके अनेक वस्तुओं आदि का ज्ञान हो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं. जैसे बॉय, बॉयज. बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है. माने एक लड़का और बॉयज माने अनेक लड़के. यहाँ बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है. आई थिंक दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन माय लेक्चर यू हैव टू रियली आस्क. पुनः आप पूछ सकती हैं. तो बात में समझ में जितना भी बोला मैंने आई, एक नंबर में समझ में आ गई जितना बताया कि देयर आर टू टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर मीन्स इंडिविजुअल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन. अंडरस्टैंड? मोर देन वन. व्हेन ए पर्सन इनवाइट्स, और यू कैन से वर्क्स इंडिविजुअल इन ए प्लेस और ए थिंग, दैट बिकम्स सिंगुलर. व्हेन ए पर्सन मोर देन वन पर्सन वर्क्स इन ए प्लेस, थिंग और प्लेस, देन इट इज प्लूरल. ओके, वी विल हैव स्टार्ट ओवर अगेन. सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम. अधिकांश शब्दों में यस लगाकर प्लूरल बनता है. अधिकांश शब्दों में यस लगाकर प्लूरल बनता है. जैसे सिंगुलर there are two types, singular and plural. Singular boy, plural boys. Okay, girls. Dogs. Hens. I think that all of you understand. Okay. अब second two part. जिन शब्दों के अंत में यस ओ सी एच यस एस एच आते हों उनमें प्रायः यस लगता है. जिन शब्दों के अंत में एक्स ओ सी एच यस यस एच आते हैं उनमें प्रायः यस लगता है. ओके, लिख लीजिए तो मैं बताता हूं आपको इसका उदाहरण. हो गया?
सेम टाइप बट द सिचुएशन इज अनदर. ओके, लाइक बॉक्स. Yes has been added. Okay. Foxes. Mango. Mangoes. Okay. I think that all of you have an understanding. Yes. Any problem? No. No. Then, yes, come. Do you have proceed? Magi badhe. Rule 3. Rule 3. ध्यान से सुनिएगा. At first you have to listen it. Then after I have write it down and then after I clear it. Okay? जिन शब्दों के अंत में वाई आता है, मैं लिखूंगा, परेशान मत होइए. जिन शब्दों के अंत में वाई आता है उनमें प्राय वाई हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है. अतः वाई से पूर्व कोई स्वर ना हो वरना व्यंजन हो. वाई से पूर्व कोई स्वर ना हो वरना व्यंजन हो. जैसे लिखिए, जिन शब्दों को वाई आता है उनमें प्राया वाई हटाकर यस आई ई एस लगा दिया जाता है. अतः इसको मिटा दें. वाई से पूर्व कोई स्वर ना हो वरना व्यंजन हो. Write it down. लिख लिया. आप ग्रामर जब पढ़िएगा, इसके रूल्स बहुत जरूरी है. अगर आपको रूल्स नहीं आएंगे तो ग्रामर मिस्टेक होगी, बोलने में भी दिक्कत होगी, लिखने में भी दिक्कत होगी. इसलिए ग्रामर इज द बेसिकली रूट ऑफ द इंग्लिश. ओके, सिंगुलर. Mm-hmm.
स्टोरी क्या लग गया? आई थिंक दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इट। दो और बता दे। सिटी ओके, लेडी लेडी ओके। अब देखिए रूल फोर में चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में यफ या ई एफ या एफ ई आता हो वहां प्रायः एफ या एफ ई हटाकर एस लगा दिया जाता है। जैसे ठीक लिख लीजिए। अच्छा लिख लूंगी। चलो जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई आता हो वहां प्रायः एफ या एफ ई हटाकर एस लगा दिया जाता है। अच्छा धीरे धीरे। जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ ई आता हो वहां प्रायः एफ या एफ ई हटाकर यस लगा दिया जाता है। जैसे सिंगुलर लिखिए, यू हैव टू राइट इट डाउन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ साइड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सी ए एल एफ काफ, सी ए एल एफ काफ, काफ काफ माने बछड़ा। अब इसका चेंज क्या हो जाएगा? सी एल एफ नहीं रहेगा, सी एल वी ई एस काफ, सी एल वी ई एस काफ, अनेक बछड़े। ओके लिखिए लीफ, एल ई ए एफ लीफ, एल ई ए एफ लीफ, ये हो जाएगा लीव्स पत्तियां, एल ई ए वी ई एस। नेक्स्ट थिप, टी एच आई ई एफ थिप, थिप मीन्स गुड, थिप हो गया। इसका बहुवचन क्या होगा बोलिए? टी एच आई ई वी एस लिखिए, टी एच आई ई वी एस थीव। एक और लिख लीजिए नाइफ, इधर लिखिए हाँ नाइफ, के एन आई एफ ई नाइफ, नाइफ माने चाकू। वो दूसरा बेटा के एन आई एफ ई है, और वो योद्धा वाला जो है वो एन आई एन से शुरू है। हम बता देंगे अभी मुझे थोड़ा इंटरप्शन ना हो। के एन आई एफ ई नाइफ माने और नाइफ्स, के एन आई वी ई एस कंप्लीट। तो इसको समझ में आर यू अंडरस्टैंड इट? देन रूल्स फाइव, फाइव पे चलिए। प्रॉपरली व्हेन यू रीड और राइट द इंग्लिश ग्रामर, इट इज टू द पॉइंट, टू द मार्क, नो थिंग इज टू बी इनकम्प्लीट और यू कैन से द कंप्लीट विदाउट ग्रामर। व्हेन यू राइट इट डाउन इन ए ग्रामर वे और यू कैन से द ग्रामर पैटर्न, देन इट विल बी इन ए प्रॉपर मैनर वेयर द वर्ड्स हैव बीन सेटेड, अदरवाइज इट शुड बी रॉन्ग। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश, वन इज वर्बल इंग्लिश एंड अनदर इज ग्रामर इंग्लिश।
Verbal English is always you have to speak whatever you like. There is no need of used to grammar. It is talkative English. You have to express your expressions and feelings. But in grammar, when you write down in page or you essay or grammar or you title or any judgment, all things, then the grammar must be in a settled form. Next rule 5. कभी कभी नंबर है बेटा, कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर, बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल कहते हैं, बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, जैसे दिस मैन, डेस एक आदमी, मैन अनेक आदमी। मैन तो सिंगुलर है, मैन क्या है? प्लूरल, बहुवचन है। नो प्रॉब्लम। चलिए लिखिए सिंगुलर प्लूरल। हाँ फिर रूल समझ लीजिए, मौका नहीं मिलेगा। इलेवी के बाद आज क्लास फर्स्ट सेमेस्टर जब हो जाएगी, when we are entering the second semester, this paper has not been there. Singular plural, women, women, singular, women, 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 plural में लिखे women, women, बहुवचन, tooth, tooth, tooth. देन प्लूरल टीथ। इसको देखते रहना, इसको कहां पहुंचा। टीथ, टीथ, फुट, 1732 ठीक, फीट, टूथ हो गया, फुट FWT फुट फिट हो जाएगा। गुड, थैंक यू। माउस, MOUSE माउस, MICE माइस। ओके, दिस रूल 5 इज कंप्लीटेड। रूल 6, कभी कभी EN या REN जोड़ा जाता है, कभी कभी EN जोड़ा जाता है, जैसे सिंगुलर प्लूरल ऑक्स, और प्लूरल में ऑक्सन, ऑक्स माने बैल, ऑक्सन माने ऑक्सिन, अनेक बैल, चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बहुबच्चा। रूल 7, जुड़वा शब्दों कंपाउंड वर्ड्स में केवल संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाया जाता है, जैसे जुड़वा शब्दों में केवल संज्ञा शब्दों को, जुड़वा शब्दों में केवल संज्ञा शब्दों को बहुवचन बनाया जाता है, जैसे जैसे सिंगुलर फादर इन लॉ, प्लूरल फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, यस लगा दीजिए, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। रूल 8, कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल में एक से ही रहते हैं, कुछ शब्द एक से ही रहते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल फिश, 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 राइट, फिशेस नहीं होगा, सीप, सीप, ओके। अब उदाहरण में कुछ लिख लीजिए, ए सीप इज ग्रेजिंग, ए सीप इज ग्रेजिंग, GRAZING, बन रहा